मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी में जल जगार महोत्सव में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रकार के नवाचारी मॉडल पीको द वाटर गार्जियन संरचना का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धमतरी में जल जगार महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। मैं धमतरी के लोगों को नवरात्रि के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे राज्य में जल स्तर कम हो रहा था, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने पहल की और जल स्तर को सामान्य किया। मैं धमतरी की जनता का आभारी हूँ। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। एक समय था जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक दलीय शासन था, लेकिन अब देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण जनता विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा पर भरोसा करने लगी है। देखिए, यहाँ पर धमतरी में आज जल जगार महोत्सव का शुभारंभ था। दो दिन का यहाँ पर महोत्सव रखा गया है और ये नवरात्रि के समय में रखा गया है। तो मैं सबसे पहले तो पूरे धमतरी वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर माता अंगार मूर्ति का आज हम लोग पूजा अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना किए हैं। वैसे पूरे प्रदेश में वाटर लेवल डाउन हो रहा था और धमतरी में भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा किए और नया नया नवाचार करके आज वाटर लेवल यहाँ पर ठीक कर लिए हैं। इसके लिए मैं पूरे धमतरी वासियों का और जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसको एक आंदोलन के रूप में लिए, इतना तक कि स्कूल के बच्चों को भी इस कार्यक्रम से जोड़े और उसका परिणाम है कि आज यह वाटर लेवल ठीक हो गया है। अब देखिए, अब ये लोग एक्सपायरी हो गए, अब इनकी बातों में कोई वजन नहीं है। आप सबको मालूम है कि एक समय कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था, इनके प्रधानमंत्री हर प्रदेशों में, इनके मुख्यमंत्री, लेकिन आज वहाँ कहाँ पर हैं? उनको आत्मावलोकन करना चाहिए। गलत नीतियों के कारण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण आज कांग्रेस के प्रति इस देश की जनता का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है और ये लोग बिल्कुल सिकुड़ते जा रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पर है।